पर वो फील नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं क्या ये क्या लिखा है दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड कंटिन्यू ओके गॉट इट करो हेलो व्हाट्स अप गाइस मैं हूं अश्वदन सिंह फ्रॉम ठीक है केमिकल काइनेटिक्स की स्टार्टिंग कर रहा है अपन है ना चैप्टर का नाम क्या है केमिकल काइनेटिक्स ठीक है केमिकल काइनेटिक्स

रिएक्शन के अंदर तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं पता होना चाहिए नहीं पता होना चाहिए तो रिएक्शन कितने टाइप की होती है जी तुमको पता होगी कैसे पता होगी जैसे पहली रिएक्शन कौन सी होती है टेंथ क्लास के अंदर पढ़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी नहीं पढ़ी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो भी तो होती है तो फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ये सारी रिएक्शन कैसे एग्जांपल है किस तरह की एग्जांपल है ये वो नहीं आता इरिवर्सिबल रिवर्सिबल

रेट का मतलब जैसे कोई कार है कोई कार कितने स्पीड से जा रही है है ना तो वहाँ पे बोलेंगे ना कार पचास किलोमीटर पर आर से जा रही है ऐसे यहाँ पर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है समझे नहीं समझे तो रेट मतलब कितनी स्पीड में हो रही है बस यही ना हाँ हाँ रेक्षन. कितनी स्पीड से कोई भी रिएक्शन हो रही है ठीक है अब देखो जैसे यहाँ पे बात करें पर ये ये नहीं समझा क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब देखो इस तरीके से समझ में आएगा तुमको

हाँ गया तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी अगर इसकी रिएक्शन लिखेंगे अपना तो रिएक्शन हो जाएगी ए जी एन ओ थ्री प्लस एन ए सी एन क्या बनेगा, बनेगा। समझे नहीं समझे प्लस एन एन थ्री ये बन जाएगा ना तो ए जी सी बनना कैसा हो फास्ट रिएक्शन हो इस एग्जांपल हो गया तुरंत बन गई अपने रेट का मतलब थोड़ा कम समझ आया मुझे मतलब जो कितनी जल्दी हो रहा है यही होता रेट है हाँ रेट का मतलब कितनी स्पीड से होरे को भी रख सकते स्पीड सॉरी ठीक है अब देखो अब कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो ना तो फास्ट होती ना स्लो होती कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो ना तो फास्ट हो ना स्लो ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल क्या है जैसे H2 और Cl2 को H2 को Cl2 को जब अपन लाइट की प्रेजेंस में क्या करें कंबाइन करें तो क्या बनेगा HCl बनेगा क्या बनेगा HCl बनेगा HCl बनेगा -E

तो कितनी अमोनिया खत्म हो गई टी टाइम में वही तो उसका रेट हो जाएगा तो अमोनिया क्या है मतलब डिस्टेंस की जगह आएगी हाँ डिस्टेंस की जगह आएगी अमोनिया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन डी सी वाई डी टी मतलब डी सी क्या हो गया कंसंट्रेशन डी सी क्या हो गया अच्छा, कंसंट्रेशन टी टी क्या हो गया डी टी टाइम ये ये मतलब क्या बोलते हैं ये डेल्टा लगाया ना मतलब एक तरह से हाँ डेल्टा लगाया ना

वही जब कभी भी के लिए रेक्ट लिए रेक्ट लिए रेक्ट लिए तो, तो यहाँ तो पे लिखोगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या रिएक्टेंट ये क्या आपके पास नेगेटिव आपके पास प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है तो अब देखो अपन हाँ। यहाँ पर कैसे लिखेंगे अपन लिख रहे हैं ये रिएक्टेंट क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो एक एक करके लेते हैं अपने, ले ले दिवार दिवार लिखा नहीं लिखा अपने। हाँ। ये तो गया लिखेंगे। ये हो गया टाइम इतना किसका लिख रहे हैं अमोनिया अमोनिया क्या प्रोडक्ट में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा डी ऑफ अमोनिया नहीं

अब आगे अपन ने क्या लिखा है अपन ने लिखा है माइनस ऑफ डी ऑफ नाइट्रोजन और देखा नहीं? देखा, क्या कर दिया उनका डिवाइड कर दिया उनके स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अमोनिया में कर दिया टू का डिवाइड नाइट्रोजन तो में वन है तो वन का डिवाइड हाइड्रोजन में तीन है तो तीन का डिवाइड और एक का जो भी रेट निकाला था वो क्या हो गया बराबर लिख दिया क्या लिख दिया वो नहीं समझे नहीं भैया क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे यहाँ पे क्या है तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा दे रखा है उसको ओके कर देना ना? क्या हाँ नहीं आया आया ही नहीं क्या? ओके नहीं आया क्यों नहीं आया ही नहीं रिकॉर्ड हो रही है ऐसे खुद ही कह दिया रिकॉर्ड हो रही है हाँ हो रही खुद ही हाँ

बराबर होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के लिए अपन ने क्या करते हैं उस स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड कर देते हैं क्या कर देते हैं उस स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का वो बराबर कैसे होता है मतलब मतलब ये जो पूरी रिएक्शन है ना तो जितना नाइट्रोजन खर्च होगा उतना ही तो अमोनिया बनेगा जितना नाइट्रोजन खर्च होगा उतना ही तो अमोनिया बनेगा नहीं बनेगा जितना नाइट्रोजन खर्च उतना अमोनिया बनेगा जितना हाइड्रोजन खर्च होगा उतना अमोनिया बनेगा तो रिएक्शन तो एक ही हो रही है ना तो इसलिए इस पूरी रिएक्शन का रेट एक ही होगा

तो ये देखो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट क्या है स्टार्टिंग में रिएक्टेंट पूरा है कंप्लीट हाँ। है ना फिर धीमे धीमे रिएक्शन प्रोसीड हो रही क्या होता है कम होता चल रहा है वही प्रोडक्ट हाँ। देखो स्टार्टिंग में जीरो है फिर धीमे धीमे क्या हो रहा बढ़ता चल रहा है समझ नहीं समझे समझ सम, गया तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है डायग्राम याद रखना है पेपर में आएगा तो इसमें मतलब ये क्या कहते हैं ये 3H ये इनिशियल स्टेप नहीं समझ आई मुझे इनिशियल स्टेप का मतलब है यहां पे कि नाइट्रोजन क्या है वन लिया अपन ने हाइड्रोजन क्या लिया वन लिया अच्छा अपन ने कंप्लीट मान लिया कंप्लीट को वन मान लिया अपन ने ना हाँ थ्री एच टू ठीक अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट क्या होगी तो देखो अपन अभी तक तो क्या लिखते आ रहे हैं कंसंट्रेशन अपन टाइम लिखते आ रहे हैं ना तो कंसंट्रेशन अपन टाइम लिखेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन है ग्राम पर मोल और टाइम क्या ले लिया अपन ने सेकंड समझे नहीं समझे तो या तो अपन

वो क्या जाता है? जा है. क्या है? जा है कार जा रही है तो मैं तुम्हें बोल दूं, कार ने कार जब चलना पांचवी मिनट में जो उसका रेट है, तो पांच की बात कर दे रिएक्शन के लिए तो रेट को क्या बोल देते हैं देखो यहाँ जैसे अपने को दे रखा है क्या दे रखा है अपने को दे रखा है की एक रिएक्शन है

अब तुम्हें क्या बोला गया तुम्हें बोला गया तुम्हें निकालना है सवाल के अंदर क्या पूछना है तुम्हें निकालना है कि बी कितना खत्म हो रहा है और रेट ऑफ और सी कितना बन रहा है ना हाँ ठीक समझ के तो देखो, पहले क्या करेंगे पहले पने पने काम कि इसका लिखेंगे. क्या लिखेंगे, rate लिखेंगे. Rate लिखेंगे. Rate तो क्या होगा देखो डी ऑफ एवाई डी टी माइनस में बराबर माइनस में डी ऑफ बी वाई डी टी बराबर ऐसा लिखेंगे बोलो ऐसे ही लिखेंगे भैया तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अब अपने को निकालना है अपने को ये वैल्यू पता है ये वैल्यू पता ना अपने को कौन सी है वन बाय टू ये वाली हाँ, हाँ ये पता ना टेन की पावर माइनस रेट ऑफ ए का रेट ए का रेट पता है टेन की पावर माइनस टू अब अपने को किसका निकालना है बेक. सी का निकालना है और बी का निकालना तो बी का निकालेंगे बी का कितना ही आ जाएगा बी कितना आ जाएगा इतना ही आ जाएगा सी का कितना आएगा सी का कैसे आएगा डिवाइड कर देंगे टू से डी सी वाई डी टी बराबर टू टाइम्स कितना हो जाएगा सी का जो A का रेट है उसका टू टाइम्स टू टाइम्स हो गया ना वो है अरे क्या है वन बाई टू है ना तो डिवाइड करेंगे ना अपन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना, ना सर टाइम से डिवाइड होएगा ना हाँ हाँ ठीक है भैया टाइम इसको देखो तीसरे वाले क्वेश्चन को देखो तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डीएक्स बाई डी क्या दिखाता है तो डीएक्स बाई डी क्या दिखाता है तुम्हें इंस्टेंट इंस्टेंट ऑफ एक्स नहीं दिखाता आगे, आगे. ना अरे हाँ कर लोगे ना एमसीक्यू सी तो है ये कैसे दिखाता है ये रेट ऑफ रिएक्शन बताता है हाँ तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा तो ऑप्शन में तो इंस्टेंट इंस्टेंट ऑफ रिएक्शन टिक करोगे ना अच्छा ठीक एवरेज रेट भी तो लिखा है

तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन तो में तुम कौन सा ऑप्शन में तुम मैच कर रहा है ठीक है समझ में आया नहीं आया कुछ नहीं आया आज का कम ही आता मुझे क्या समझ में नहीं आया इसमें पूछो वही है कैसे अपन को कैसे बताना तो मैं यहाँ पे स्टेटस रेट पूछ रहा हूँ तो सबसे पहले इस रिएक्शन का रेट लिख के देखेंगे ना अपन हाँ इस रिएक्शन का रेट लिखोगे तो क्या आएगा रिएक्टेंट वाले में नेगेटिव आओगे प्रोडक्ट वाले में में लिखना है क्या सारों में अब चेक कर लो तुम्हें कौन सा मैच कर, कर रहा है ए मैच कर रहा है बी मैच नहीं कर रहा सी भी मैच नहीं कर रहा और डी भी मैच नहीं कर रहा तो आंसर कौन जाएगा ए आ गया हो गया आंसर समझ में नहीं समझे टाइम लिमिट आ गया भैया हां अच्छा रिकॉर्डिंग हां क्या पता भैया मैं बोल रहा हूं तो यहां देखो मीटिंग तो की मीटिंग के बोल रहा हूं मीटिंग मीटिंग अब हो जान दो मीटिंग तुम्हारे स्कूल वालों ने क्या हर खरीद रखा है इसका गूगल का गूगल मीट का नहीं भैया बंद हो जाता है वो अपने आप कितनी देर बाद मिनट चालीस मिनट की क्लास अच्छा हाँ हाँ चलो बताओ हाँ भैया बंद होने वाली दो मिनट बाद मुझे ऐसा लग रहा आओ हाँ बता दो भैया मुझे ये नहीं समझ आया जैसे टू ये लिखा हुआ लिक है ना टू ए ये तो ये लिखा हुआ है ना ए स्क्वायर मतलब ए टू बी बन रहा है है ना हाँ। तो भैया इसमें अपन ने ए ए का बताया है हाँ इस जो ऑप्शन में होगा वही तो बताएंगे ऑप्शन में ए ये तो ए ए का बताएंगे बी होगा तो बी का बताएंगे ऑप्शन में ए का ही पूछा उसने तो अच्छा का तीनों का निकाल दिया अपन ने तीनों का निकाल दिया हाँ